अफगानिस्तान ने दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप पर बंद करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को बंद करने पर एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए अफगान दूतावास ने कहा, भारत सरकार की लगातार चुनौतियों के कारण 23 नवंबर 2023 से दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला अफगानिस्तान दूतावास की तरफ से 30 सितंबर को परिचालन बंद करने के बाद लिया गया है। ये कदम इस उम्मीद में उठाया गया कि मिशन को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए भारत सरकार का रुख अनुकूल रूप से बदल जाएगा। अफगान दूतावास ने कहा है कि यहाँ संज्ञानात्मक है कि कुछ लोग इस कदम को आंतरिक संघर्ष के रूप में चित्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान दूतावास ने अपने बयान में कहा है कि भारत में अफगान नागरिकों के लिए दूतावास अफगान मिशन की समझ और समर्थन के लिए अपनी हार्दिक आभार व्यक्त करता है। हालांकि हमने संसाधनों की कमी के बावजूद और काबुल में वैध सरकार की अनुपस्थिति में अफगानी लोगों की बेहतरी के लिए अथक प्रयास किया है। इसके बावजूद पिछले 2 सालों और 3 महीने में भारत में अफगान समुदाय में छात्रों और व्यापारियों के देश छोड़ने के लिए उल्लेखनीय गिरावट देखी जा सकती है। गौरतलब है कि भारत की तरफ से इस पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है।